ब्रह्मोस जो हमारे ही कॉलेज के 82 बैच के डॉक्टर सुधीर मिश्रा जी हैं उनके द्वारा हमको मिल रहा है, और एक विजयंत टैंक है वो भी हमको अगले महीने फरवरी में मिल जाएगा, और वो हमारे खान साहब हैं उनके द्वारा वो पुणे से आने वाला है। इन सिस्टम को लगाने से मेन उद्देश्य यही होता है कि विद्यार्थियों को इस बारे में जानकारी हो और वो अपने देश के लिए कुछ करने की सोचे। जैसे कि रक्षा प्रणाली और रक्षा सिस्टम, सबसे ज़्यादा पैसा विदेशी जो पूंजी है हमारी, विदेशों से हमको मंगाना पड़ती है, और यदि ये सब चीज़ें हम स्वदेश में बनाने लगें, स्वदेशी टेक्नोलॉजी यदि हम डेवलप कर लें, तो निश्चित तौर पर भारत का बहुत सारा धन बचेगा और हमारा नाम विश्व में और पूरे सभी जगत में हो जाएगा। और MiG-21 आने के बाद शायद वो हमारे यहाँ का एक सेल्फी पॉइंट बन गया है, सारे स्टूडेंट और बाहर के लोग भी उसको बड़े ध्यान से देखते हैं, बड़े गौरवान्वित फील करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द जेका कम्युनिटी दैट हैज़ बीन सेट अप बाय आवर एलुमनाइज इन आवर कॉलेज, एंड सेकंड ऑफ ऑल थैंक्स टू आवर प्रिंसिपल हु हैव इनिशिएटेड फॉर दीज स्टार्टअप्स एंड टू ब्रिंग ऑल दीज इक्विपमेंट्स टू आवर कॉलेज। एज फार एज वी नो इट्स इंडियाज फर्स्ट कॉलेज विच हैज़ ऑल दीज इक्विपमेंट्स इन द कैंपस इटसेल्फ। It's really great to have them here, just because we all are defense aspirants. So it brings a spark inside us when anything as such comes up, and we could see it regularly here and there, walking by, passing by. It's really great. We are very happy to have it. Brings in inspiration, lots of aura of defense aspirants, and it's just amazing. सबसे पहले तो मैं अपने प्रिंसिपल और हमारी जेका कम्युनिटी, जो हमारी एलुमनाई कम्युनिटी है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखता हूँ, क्योंकि MiG-21 और ब्रह्मोस एक बहुत कारगर हथियार साबित हुए हैं देश की सुरक्षा, देश की भलाई और देश को एक तरीके से दुश्मनों से बचाने के लिए। क्योंकि MiG-21 और ब्रह्मोस इतने फेमस हैं और इनका हमारे कॉलेज में इस्टेब्लिश होना, हमारे स्टूडेंट्स और सीनियर्स जूनियर्स सभी हम लोगों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हम लोगों के बीच में एक उज्ज्वल भावना आती है जिससे हम आगे कर सकें। हम लोगों को एक अंदर से मोटिवेशन आता है कि किस तरीके से देखिए हमारे कॉलेज हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है और हमको भी हमारे कॉलेज के लिए आगे चल के कुछ करना होगा।